हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राज एजुकेशन। तो इस वीडियो में हम लोग किस एक ऐसी संख्या ज्ञात करेंगे जिसको दी हुई संख्या में जोड़ने पर प्राप्त योगफल एक वर्ग होगा। ठीक है, यानी कि सवाल में क्या है कि 1472 में कम से कम क्या जोड़ें कि प्राप्त योगफल एक वर्ग हो। अब हमें एक ऐसी संख्या ज्ञात करनी है जिसको 1472 में जोड़ दें तो ये जो प्राप्त योगफल मिलेगा वो एक वर्ग होगा। इसके लिए हमें पहले करना क्या होगा कि 1472 का वर्गमूल निकालना पड़ेगा। चलिए 1472 का पहले वर्गमूल निकाल देते हैं, ये हो जाएगा। अब इसका वर्गमूल निकालना है तो पहले हमें इस तरफ से दो दो का जोड़ा बनाना पड़ेगा पीछे की साइड से। यहाँ पर देखिए कितना है, 14। अब हमें कोई एक ऐसी संख्या ढूंढनी है जिसको उसी संख्या से गुणा करने पर 4 आ जाए। तो जैसे 2 अगर है तो 2 को मतलब 14 आ जाए, तो 2 से हम गुणा करेंगे तो ये आएगा 4। तो ये तो नहीं हुआ, लेकिन इस प्रकार अगर हम 3 को 3 से गुणा करें तो ये आएगा 9, और 4 को 4 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 4 चौक 16। यानी जो है क्या कि 14 से ये ज्यादा हो जाता है, तो हम 3 बार गुणा करेंगे, यानी 3 यहाँ लिखेंगे, 3 यहाँ पर भी लिखना पड़ेगा और यहाँ पर भी। गुणा करने पर आया है 9, इसलिए इस 9 को हम यहाँ लिख देंगे। अब ये 3 और 3 हो जाएगा 6, और 14 में से 9 घटाएंगे, ये प्लस करना होता है और इसको माइनस करना होता है। तो 14 में से 9 घटाएंगे 5 बचेगा। अब इस पूरे को दोनों को लिखना है यहाँ पर, क्योंकि दो का जोड़ा बनाया है ना, तो 72 जो है पूरा लिखना पड़ेगा। अब हमें 6 में किसी संख्या से गुणा करने पर गुणनफल जो प्राप्त हो वो 572 हो या इससे थोड़ा सा कम हो। तो अगर हम 6 में मान लो 3 से गुणा करते हैं तो ये 3 3 का 9 और 3 6 18, ये आएगा 189, जो कि ये क्या है कि 572 इसलिए कम है। तो हम 6 को अगर 8 बार गुणा करें तो ये आएगा 8 9 64 और 8 6 48, 2 50 4 54, यानी 544। इसी प्रकार अगर हम 6 को 9 बार गुणा करें तो 9 9 81 और 9 6 54 54 और 8 कितना होगा, 54 6 60 और 2 62, यानी कि 621 जो 572 से अधिक है, इसलिए हम केवल 8 बार गुणा करेंगे। तो 8 यहाँ पर भी लिखेंगे और यहाँ पर भी, ऊपर भी हमको 8 लिखना पड़ेगा। और गुणा करने पर आया क्या कि 544 यहाँ पर। तो इसको तो ऐड करना होता है लेकिन इसको माइनस करना है। तो 12 में से 4 घटेगा 8 बचेगा, और ये बचा 6 6 से 4 घटाएंगे 2 और ये कट जाएगा। अब हमें यहाँ पर देखिए क्या प्राप्त हुआ कि 38 प्राप्त हुआ है। तो जो 1472 है ये 38 के अगर हम वर्ग करें तो इससे तो 1472 अधिक होगा, लेकिन ये 3900 से क्या 39 के स्क्वायर से तो छोटा होगा। ठीक है, तो अगर हम 39 के स्क्वायर में से अभीष्ट संख्या क्या होगा, अभीष्ट संख्या बराबर 39 का स्क्वायर माइनस 1472 कर देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा वो संख्या। 39 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा कितना, इस प्रकार अलग कर लेते हैं। तो ये 39 का स्क्वायर मतलब 9 9 81 के 1 और 9 3 27 3 30 और 5 35, 351 और 3 9 27, 3 3 9 और 2 11, तो ये आएगा 1 और 7 5 12 के 2 और 3 4 1 5 और ये 1521 आया। अब हम 1521 में से ये कितना है 1472, इसको जब घटा देंगे तो हमें वो संख्या प्राप्त हो जाएगा जिसको 1472 में जोड़ने पर प्राप्त योगफल पूर्ण वर्ग हो जाएगा। जैसे देखिए इसमें से अगर हम घटाएंगे तो ये 1 है और ये 2, तो ये उससे उधार लेगा, 11 में से 2 घटाएंगे तो बचेगा 9, और ये बचा 1 और 1 में से 7 नहीं घटेगा तो ये उधार लेगा, तो ये हो जाएगा 11, 11 से 7 घटाएंगे तो आएगा 4, ये बचा 4 से 4 0, यानी कि केवल क्या मिला हमको 49। तो अभीष्ट संख्या जो हुआ प्राप्त वो क्या है 49। यदि हम इस 49 को 1472 में ऐड कर दें यानी जोड़ दें तो प्राप्त योगफल जो है वो एक वर्ग हो जाएगा।